अंकल जी। तो अंकल जी कैसा लगा आपको नैनीताल? नैनीताल बहुत अच्छा लगा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? तो 8 साल से भी ज़्यादा हो गए मिले रहते। तो नैनीताल में कुछ है ऐसा मतलब विशेष कुछ खास? नैनीताल अपने आप में ही जो बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जैसे कि नैनीताल के नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर 9 ताल हैं। अच्छा, 9 झीलें हैं अलग अलग, 9 झीलों को मिला करके नैनीताल बना है जी। और यहाँ के नैनीताल की विशेषता एक ये है बिल्कुल अलग हटके, कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है पूरे भारत में किसी भी शहर का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। अच्छा। और यहाँ पर नैनीताल का बड़े धूमधाम से 18 नवंबर को हर साल जन्मदिन मनाया जाता है। और सभी दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज यार, अभी मैं आज जा रहा था नैनीताल को, मेरा मूड हो गया था नैनीताल जाने का। देखो यार कितना ठंडा हो रहा है यार, जैकेट पहन के जाना पड़ रहा है। बाकी मौसम तो इतना बढ़िया था, अभी धूप भी है पर कहीं कहीं पर थोड़ा ठंडा हो जाता ना, तो तब जैकेट पहन रखी है। तो बाकी अभी हम यहीं पर रुके हैं जंगल फिस्टा के, वहाँ पर चलते हैं आगे को, मिलते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको लोकेशन बहुत बढ़िया बढ़िया। अभी मेरे साथ बने जो दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ बने संदीप भाई और ये मेरी बाइक है भाई। ये देखो आप लोकेशन कितनी बढ़िया लग रही है, यहीं से ऊपर को जाएंगे। ये है सामने जंगल फिस्टा और यहाँ पे बढ़िया देखो नीचे कितना बढ़िया लग रहा है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल, आपको दिखाता हूं यहां से बोटिंग चल रही है। देखो मेरे सामने, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, यहां से मज़ा आ गया। ये देखो यार लोकेशन कितनी बढ़िया लग रही है, पूरा नैनीताल दिख रहा है। मौसम देखो इतना बढ़िया होता है ना, मौसम इतना ठंडा होता है, ये बहुत लग रहा है पूरा। यार देखो नैनीताल की रोड में चल रहा हूँ मैं पैदल, शाम के समय अभी बज रहे हैं 4:30 और ये देखो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, मतलब नैनीताल का आनंद ही इस जगह पे है यार। मौसम ही है मेन गाँव का। और देखो ताल में इतना पानी हो रहा है, ये देखो रिक्शा चल रहे हैं बढ़िया, यहाँ आदमी वॉक कर रहा है। अभी थोड़ी देर बाद तो यहाँ फिर वॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे से पैदल यात्रा। वो देखो उधर सब स्टार्ट हो गई, गाड़ियाँ बंद हो जाती है कुछ टाइम बाद। बाकी ये भैया तो देखो बाइक में चल रहे हैं, अपना आनंद नहीं करते हुए बाइक का आनंद ले रहे हैं, हमने कहा हम पैदल चलते हैं, क्या करना है बाइक में। तो दोस्तों देखो यार ताल का पानी हो गया पूरा ऊपर तक, फुल गया पूरा ऊपर तक, फुल हो चुका है। मेरे को लग रहा है कुछ टाइम बाद नीचे ना आ जाए पानी, ऊपर रोड होगा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, झाड़ों के सामान मिलने लग गया है, ठंडा हो गया ना मौसम तो बढ़िया लेने में लगे हैं लोग। आगे देखो कितना क्राउड हो रहा है आज, है ही थोड़ा
बीच में हॉलीडे था ना वीकेंड, तो उस चक्कर से भी आजकल वीकेंड चल रहा है, दबा के लोग आने लगे। ये देखो वाला पूरा ग्राउंड तो आज खाली दिख रहा है, कुछ है ही नहीं वहाँ। दोस्तों यार नैनीताल ही एक ऐसी जगह जहाँ से कभी मन नहीं भरा यार आज तक, पूरा इतने बार आ गया ना तो कभी आज तक ही नहीं हुआ कि यार नैनीताल नहीं जाते हैं। किसी ने कहा नैनीताल चलने तो चलो यार, कभी मन भरता ही नहीं है यहाँ से। पता नहीं क्या है यहाँ की हवाओं में, क्या बात है पता नहीं, जो यहाँ को खींचा चला आता हूँ। देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। तो संदीप भाई कैसा लग रहा है, क्या देख रहे हो, मछली देख रहे हो क्या? अच्छा ऊपर, हाँ यार कोई दिक्कत तो नहीं है उसको, वरना ऊपर उठा लेते हैं, ऑपरेशन चेक कर लेंगे, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। हमें नैनीताल में मिले थे एक अंकल, अब वो आपको बताएंगे नैनीताल के बारे में। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी उसकी भी जानकारी देंगे वो। बाकी आप उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे क्या क्या नैनीताल में घूमने लगे। तो मैं ले चलता हूँ अंकल के पास। ये हैं अंकल जी। तो अंकल जी कैसा लगा आपको नैनीताल? नैनीताल बहुत अच्छा लगा। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? तो 8 साल से भी ज़्यादा हो गए मिले रहते। तो नैनीताल में कुछ है ऐसा मतलब विशेष कुछ खास? नैनीताल अपने आप में ही जो बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जैसे कि नैनीताल के नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर 9 ताल हैं। अच्छा, 9 झीलें हैं अलग अलग, 9 झीलों को मिला करके नैनीताल बना है जी। और यहाँ के नैनीताल की विशेषता एक ये है बिल्कुल अलग हटके, कि जहाँ तक मेरी जानकारी में है पूरे भारत में किसी भी शहर का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। अच्छा, और यहाँ पर नैनीताल का बड़े धूमधाम से 18 नवंबर को हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, और सभी धर्मों के लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर के पूजा इबादत ध्यान और पाठ करते हैं, केक काटते हैं। तो वो कहाँ बनाते हैं? और हर्षोल्लास के साथ मल्लीताल राम सेवक सभा समिति, जो यहाँ पर रामलीला होती है। अच्छा अच्छा, वहाँ सभागार में हर साल ये जन्मदिन मनाया जाता है। और यहाँ पर जैसे नौकुचिया ताल है, भीम ताल है जी जी, गरुड़ ताल है, हरीश ताल है, सड़िया ताल है, खुड़पा ताल है, ऐसे ही नैनीताल है, इस तरह से 9 ताल मिला करके। तो आप सब जगह गए हो? हाँ सभी जगह गया हूँ मैं। तो आपको नैनीताल अच्छा लगता है? और नैनीताल अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है नैनीताल। और यहाँ पर जो चारों धर्मों का समावेश भी है, यहाँ पर चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है एक ही कैंपस में झील के किनारे। हाँ हाँ, और सबसे पहला चर्च है ये एशिया का और पूरे भारत का। अच्छा, 1860 में पहली प्रार्थना सभा हुई थी मल्लीताल चर्च। तो नैनीताल में कुछ ऐसे घूमने की जगह जहाँ अच्छा लगता हो सबसे ज़्यादा? घूमने की जगह यहाँ आसपास में स्नो व्यू है ऊपर। अच्छा, और हनुमानगढ़ी है। अच्छा, इधर आपका कैंची धाम है, घोड़ा खाल है। नहीं खाली मेन नैनीताल में? मेन नैनीताल में तो आपको 3-4 जगह, राजमहल है, राजमहल में आप जा सकते हैं वहाँ। अच्छा, तो यादगार मिलती है पुरानी, सुल्ताना डाकू के हथियार वगैरह रखते हैं। अच्छा, तो वहाँ जाने देते हैं? हाँ जाने देते। तो कुछ चार्जेस लगते हैं फ्री? चार्जेस नहीं है वहाँ, नॉमिनल चार्जेस अगर रहेंगे तो। अच्छा, तो मैं तो ऑफिशियली गया था 2-3 बार, देखा मैंने वहाँ, राजमहल है, किसने भी है ऊपर 7 नंबर में, बिरला स्कूल है इधर, जू है काफ़ी बड़ा जू है, बहुत अच्छा है। तो अंकल आपका भी यूट्यूब चैनल है? हाँ मेरा भी यूट्यूब चैनल है। तो आप किस चीज़ की डालते हैं? नैनीताल वीडियो के नाम से, आध्यात्मिक संदेश। अच्छा अच्छा, तो अंकल आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो गाइस यार देखा अंकल ने कितनी जानकारी दे दी हमें नैनीताल के बारे में, तो मिलते हैं अभी आपसे। ये देखो यार पूरा नैनीताल पूरा पैक हो रहा है ऊपर तक, ये देखो ऐसा क्राउड होता, देखो यहाँ एक तरफा बहुत भीड़ है, देख रहे हो कितना होता। भाई मोमो खाए आप? सोनम के मोमो खाते हैं, बढ़िया टेस्टी लगते नहीं वहाँ के? सोनम के मोमो लगते भी मस्त हैं यार, फेमस है नैनीताल के, वही मोमो वही खाते हैं। बाकी देखो यार यार वीकेंड है ना पूरा फुल हो रहा है नहीं नैनीताल हर जगह। यहाँ से जाते हैं, देखो मोमो खाने का रास्ता ये है, अब चलते हैं अंकल का सारा ज़्यादा है, कोई नहीं यहीं से जाएगा भी रास्ता पूरा आगे मिलेगा, तो यहीं खाएंगे हम मोमो फिर बैठेंगे उसके बाद मंडे नहीं मंडे निकलना है। तो भाई ज़्यादा इस बार भी यहाँ मोमो नहीं मिले क्योंकि 20 मिनट लगेंगे कह रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा।
खाली 20 मिनट कह रहे हैं, एक घंटे ही मान के चलो। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं और। तो देखो अंदर मोमो बन रहे हैं यार, मोमो मिल चुके हैं मुझे, अब खाता हूँ। तो दोस्तों यार, 2 साल बाद आज मुझे मोमो मिल गए वहाँ के, बहुत टेस्टी होते। संदीप भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार, बहुत वेट करना पड़ा 20-30 मिनट कम से कम। हाँ यार, 20-30 मिनट वेट करने के बाद मोमो मिले तो टेस्टी उसका बढ़िया था, फिर आनंद में ही हो गया था, तो मतलब फिर बुरा भी नहीं लगा। तो संदीप भाई चलें, अब मौसम बढ़िया हो रहा, या कहीं और घूमें? चलते हैं, रात भी हो गई यार शाम। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं फिर कहीं और चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे। यार ये पता नहीं क्या चीज़ है यार, ऊपर से गिर के आई ना, ये गिर गया देखो। तो संदीप भाई क्या होगा यार, समझ में नहीं आता ना, पेड़ से गिरा गया। वहाँ गिरा है यार ऊपर से, पता नहीं क्या है। वो तो नहीं है अधगोला, दिवाली भी चल रही है, क्या होता किसने फेंका हो। चलो देखते हैं, इसकी रिसर्च करते नहीं। देखो यार मौसम कैसा हो गया रात के समय, अब हम निकल चुके हैं ना यहाँ से नैनीताल से, नीचे को आते समय देखो मौसम कैसा हो रहा है। तो गाइस यार देखो, इतना ठंडा हो गया ना, बहुत ज़्यादा ठंडा। देखो चाय का भी कोई ऐसा नहीं हो, इतनी गर्म चाय है देखो, तो कोई पता नहीं रहता रास्ते पर, इतना ठंडा होता। अभी हम यहाँ पे 2 गाँव के यहाँ पे हैं, तो अभी चलते हैं आगे, को चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यार बहुत अच्छा लगा, और ठंडा इतना हो रहा है ना पूरे रास्ते में, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो गाइस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आपको ब्लॉग जैसा भी लगा मुझे बताना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और ऐसी कहीं नेक्स्ट लोकेशन में मिलते हैं, बढ़िया लोकेशन में, कोई बढ़िया प्लान करते हैं कहीं जाने का। तो मिलते हैं आपसे, इसके लिए बाय अभी के लिए।